हाँ तो अभी समय मुझे ये बताइए कि ये जो हमें जो सपने आते हैं ये होते क्या है, ये कोई दूसरे डायमेंशन में जाते हैं वो हमें दिखते हैं? या आपका सवाल है कि सपने क्यों आते हैं? नहीं, ये वो जो हम सपने देखते हैं वो होते क्या है, मतलब वो कोई दूसरे डायमेंशन की कोई घटनाएं होती हैं जो हमको पता चलती हैं? नहीं नहीं, आप पूरी तरह से गलतफहमी में हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कभी भी अगर कोई सपना आया है तो वो हो नहीं सकता कि वो दूसरे डायमेंशन से आ जाए। व्हाटएवर यू हैव डन इन दिस लाइफ और व्हाटएवर द अर्लियर लाइफ, इट मींस प्रीवियस लाइफ, पिछले जन्म में, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी अगर कोई अनुभूति है, कोई एक्सपीरियंस है, वो आपके ड्रीम में आ सकती है, लेकिन दूसरे डायमेंशन का नहीं आ सकता। जो आपकी याददाश्त है, जो आपका पास्ट है, जो आपका अनुभव है, सिर्फ वही आ सकता है। ड्रीम में आप क्या देखते हो? ड्रीम, जो आप अपना जीवन में कोई काम नहीं कर पाए हैं वो आपको ड्रीम में आता है, या जो आप करने वाले हैं, यानी अधूरा, यानी पास का अनुभव। आप ड्रीम में क्या देखते हो? आपने भूत देखा होगा या एलियन देखा होगा या आपने कोई मशीन देखी होगी। आप ड्रीम में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देख सकते जिसको आपको कोई हिंट ना मिली हो, या आपने कभी कोई टीवी पर ना देखा होगा, या आपने कोई पढ़ा ना होगा, या कोई आपने इमेजिनेशन जैसे जस्ट एट मैजिक में आपने अगर देख लिया मैजिकल कोई चीज़, तो वो चीज़ आपके दिमाग पे आ सकती है। लेकिन आप संभवतया ड्रीम वही देखते हैं जो आपके पास का अनुभव है, या आपकी इच्छा है, या आपने कोई चीज़ कर लिया। दूसरे डायमेंशन का जो आपका अनुभव नहीं है वो कभी भी आपको सपने में नहीं आ सकता। जो आपने ऐसा प्राणी कभी कोई देखा ही नहीं, आपका जो अनुभव आपने किया ही नहीं है, वो आपको ड्रीम में कभी नहीं आएगा। तो ड्रीम हमेशा पुराने होते हैं, ड्रीम कभी भी नए नहीं हो सकते ऐसा। तो ड्रीम क्यों आते हैं? क्योंकि आपने अधूरी इच्छाएं छोड़ी हुई हैं, आपका अधूरा सर्कल है, तो आपको ड्रीम में आएगा। या आपने कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है तो आप बार बार उसी को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। आपने कोई झूला झूला, वो बार बार आप झूला वहाँ जा करके झूलेंगे। या आपने कोई अच्छे मोमेंट आपने अपनी लाइफ के बिताए तो भी आपको ड्रीम्स बार बार आ सकते हैं। या तो अधूरा रह गया या बहुत अच्छा दिया, वो आपको बार बार आएगा। सबकॉन्शियस माइंड जब रिपीट होता है वो सभी कॉन्शियस माइंड में आपको ड्रीम्स डेवलप करता है। तो अधूरे मन की इच्छाएँ ड्रीम्स बनती हैं, तो अधूरा होने के लिए पहले कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो पुराना ही ड्रीम बनते हैं, नया उसमें नहीं होता।